The composite controllers. First, we see the points. Most of the control action do not used individual in all systems, but combinations are used to achieve the desired results. Okay, means क्या होता है, most of the control action में हम लोग individual जो system है, proportional individual है, जैसे integral है या फिर derivative है, ये हम लोग अगर individual use करेंगे तो आपको जो desired result चाहिए वो नहीं मिलता है. So अभी हम लोग जो है combinational use करते हैं, उसके वजह से क्या होगा, टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. ओके, फॉलोइंग आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल एक्शन विच आर कॉल्ड एज अ कंपोजिट कंट्रोल एक्शन और कंपोजिट कंट्रोलर्स. ओके, अभी जो देखने वाले हैं आगे इसमें वो कंपोजिट कंट्रोल्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम देखने वाले हैं वो है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर एक्शन मोड. ओके, सो सी the point wise explanation. It is the combination of proportional control and integral control action. ये जो combination है किसका है, proportional और integral control action का है. Then see, the proportional controller stabilize the gain. Proportional controller क्या करेगा, जो भी gain है वो stabilize रखेगा, but produce the steady state error. और क्या produce करेगा, जो भी steady state है एरर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. देन एंड इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन मिनिमाइज द एरर. जो भी इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो क्या करेगा, जो भी एरर है उसको क्या करेगा, वो मिनिमाइज करेगा. ओके, सो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. मैथमेटिकल आउटपुट ऑफ दिस मोड इज़ गिवन बाय. मैथमेटिकल आउटपुट जो है ये कंट्रोलर एक्शन का वो है P इज इक्वल्स टू के पी ई ऑफ टी प्लस के पी के आर इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई ऑफ टी डी टी प्लस पी आई जीरो. अभी इसके डिनोशन डिनोटेड क्या है वो देखेंगे. जो के पी ई ऑफ टी है वो क्या डिनोट करता है, इट इज़ द प्रोपोर्शनल टर्म. देन के पी के आई इंटीग्रेशन, ये जो टर्म है वो क्या डिनोट करेगी, दैट इज द इंटीग्रल टर्म. ओके, और ये जो लास्ट है पी आई जीरो, ये क्या इंडिकेट करेगा, इंटीग्रल टर्म व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, सो ये हो गया उसका जो भी आउटपुट है, मैथमेटिकल आउटपुट उसके डिनोटेड है. देन नेक्स्ट वी सी द एडवांटेजेस. प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी टू द सिस्टम. सिस्टम को बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. सिंप्लिसिटी भी रहती है, प्रोवाइड सिंप्लिसिटी. इट फुल्ली इलिमिनेट स्टेडी स्टेट एरर. स्टेडी स्टेट एरर को फुल्ली इलिमिनेट करता है. इट हैज़ अ गुड ट्रांजेंट रिस्पॉन्स. ट्रांजेंट रिस्पॉन्स भी गुड रहता है. स्टेबिलाइज द कंट्रोल एक्शन. जो भी कंट्रोलर एक्शन रहेगी वो स्टेबिलाइज रहेगी. देन डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्टेबिलाइज द कंट्रोलर गेन. अगर कंट्रोलर गेन को स्टेबलाइज करना है तो ये जो सिस्टम है हम लोग देख रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है. देन सी, इट रिक्वायर्स द एक्सेसिव स्टेबलाइजेशन. एक्सेसिव स्टेबलाइजेशन इसको लगता है, ये भी डिसएडवांटेज है. अप्लीकेशन देखो, अप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल दैट इट इज़ यूज इन अ कंट्रोल सिस्टम विद द लार्ज लोड चेंजेस. जहाँ पे भी लार्ज लोड चेंज होता है वहाँ पे हम लोग ये कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो लास्ट वी सी द, दिस इज द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, सॉरी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल मोड कंट्रोल एक्शन. इन दिस इज द एरर ग्राफ और एरर वेव फॉर्म बोल सकते हो आप लोग. ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ टाइम. ओके, on y axis that is on this axis it is error and on this axis it is a controller output. So see, first the error will be like that and the controller output is that this portion is the proportional and this portion it is the integral. Okay, and this down portion it is the composite. ओके, इट इज़ ओनली द ग्राफ दैट वी शो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल, दैट इज
called as the composite PI. Okay, so in this way we see the detailed explanation about proportional integral control action mode. So thank you.